ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पेड़ है। अरे अंदर में बहुत ज्यादा खजूर है, हैं? तो दो दो खजूर, खजूर। ओके, दुल्हन बनाई है पठानी। ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा राय फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशा ब्लॉज ब्लॉग्स पर। और दोस्तों अभी मतलब आराम किए हैं, सोए थे, थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा था तो हम सोए थे और अभी अभी उठ रहे हैं। और घर का काम अभी बबली करेगी। और हम लोग का ऐसे भी आप लोग तो जानते हैं, हम लोग देहाती आदमी हैं, गाँव घर से हैं, तो खेती हम लोग को खेती हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है हम लोग का ज़िंदगी में दोस्तों। तो इसीलिए अब हम लोग का खेती का मौसम आ गया है। अभी जेठ का महीना चल रहा है, जून चल रहा है, तो अभी हम लोग खेत में खाद डालेंगे। तो खाद हम लोग खरीद के नहीं, जो हम लोग का गोबर होता है, गाय भैंस तो नहीं है, गाय और बैल से और बकरी का जो गोबर होता है, हम लोग एक जगह गड्ढा करके वहाँ हम लोग फेंकते हैं डेली। और जब इस तरह खेती का दिन आता है तो वहाँ से हम लोग उठा कर खेत में डालते हैं वो खाद। तो 4 बज गया है दोस्तों, तो अभी हम तो थोड़ा इतना धूप में खाना खा के आराम कर रहे थे, तो अभी उठे हैं। अब आराम ही कर रहे थे, सोए नहीं थे। दिन में क्या सोना, हम लोग का बहुत ज़्यादा काम रहता है दिन में, तो धूप के कारण हम लोग थोड़ा घर में सोए थे, आराम कर रहे थे। और अभी उठे हैं तो घर का काम अभी बाबली झाड़ू मारेगी, घर का बर्तन धोएगी। और हम जाएंगे अभी गोबर लेके खेत, जहाँ हम लोग धान का बीज बोते हैं। तो फिर खाद डालने से, गोबर डालने से बीज का जो पौधा आता है धान का, बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए अभी भुतू को बोले हैं और फुचू को भी बोले हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हम तो माथा में लोड नहीं लेते हैं, तो उन्हीं लोग को बोले हैं खेत में खाद डालने के लिए, गोबर डालने के लिए। तो देखते हैं क्या कर रही है, भुतू लोग को बुलाना होगा। और अभी कुदाली लेंगे, खांची लेंगे, और हम लोग गोबर गाढ़ा बोलते हैं उसको, गोबर गाढ़ा में जाना होगा। तो फिर दोस्तों फिर जाते हैं, और ज़्यादा समय नहीं है, कम से कम 1 घंटा तो काम होगा ही, तो 1 घंटा में बहुत हम लोग खाद डाल लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं गोबर गाढ़ा, हम लोग गोबर गाढ़ा बोलते हैं दोस्तों। और इधर देखिए कितना बेल है, जो डूमर का पका हुआ डूमर खा रहा है, देखिए पक गया है डूमर। और इधर भूतू आ गई है गोबर का गाढ़ा, हम लोग गोबर गाढ़ा बोलते हैं, जहाँ हम लोग गोबर पूरा मतलब 1 साल का गोबर यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। और 1 साल का गोबर हम लोग फिर उठा कर खेत में डालते हैं। तो वही देखिए खांची लोड हो गया है। फुचू कोई ऐ भूतू, फुचू कोई दोस्तों, भूतू का माथा में भी लोड करेंगे खांची। इतना सारा गोबर है यहाँ पर जा। तो दोस्तों हम ले लिए हैं खांची में, और भूतू ले लिए माथा में, हम माथा में खांची, और हम माथा में लोड नहीं लेते हैं, इसलिए हम माथा में नहीं लिए हैं। और अब जा रहे हैं खेत फेंकने के लिए। तो दोस्तों जा रहे हैं, देखिए अभी धूप दे ही रहा है, तो देखिए इस तरह का खेत है हम लोग का, एरिया इस तरह का है। देखिए दोस्तों कहीं बकरी चढ़ रहा है, तो कहीं बेल खजूर का पेड़ है। जहाँ हम बीज बोएंगे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, एक खेत में है, जो वहाँ पर हम पहले से ही गोबर फेंक चुके हैं। 2 खेत में हम बीज बोते हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक छोटा खेत है, वहाँ पर बीज बोएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का खेत, घर के पीछे ही है, क्योंकि फिर भी तो लाना तो पड़ेगा ही। पहले से हम लोग किसी किसी खेत में पहले से ही गोबर फेंक कर रख देते हैं। तो दोस्तों खेत पहुंच गए हैं, और ये खेत है, और देखिए बच्चा लोग कितना घूमने के लिए आया है। चलो फेंको फेंको फेंको, आप लोग देख सकते लो, मेरा खाची लो, अरे मेरा खाची, हाँ भूतू पकड़ी है दोस्तों, और भूतू फेंक रही है पूरा खेत में, थोड़ा थोड़ा करके देना होगा। और देखिए खजूर तोड़ रहा है लोग दोस्तों, बच्चा लोग खजूर तोड़ने के लिए आया है। तुमने खाए करो सब, ये हाँ ये ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम है। ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पेड़ है, अरे अंदर में बहुत ज्यादा खजूर है, हैं? तो दो दो खजूर, खजूर। 3 ठो दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ हम लोग का बहुत ज्यादा
खेजूर का पेड़ है और ताल का भी पेड़ है, तो बहुत ज्यादा है और हम लोग कमी नहीं होता है खाने में। ये सब ताल का पेड़ हर बच्चा बहुत ही तेज तरार होता है, बहुत बड़ा बड़ा ताल का पेड़ चढ़ता है ये लोग। ये देखिए दोस्तों, एक मिल गया हमको, बहुत मीठा है, बहुत पूरा खाने लगी बहुत ना। चलो समझाए जाएगा दोस्तों, समझाए जाएगा दोस्तों। फिर फेंक कर जा रहे हैं हम लोग, गोबर फेंक के जा रहे हैं दूसरी बार लाने के लिए। भूतू आगे आगे, हम पीछे पीछे, भूतू हमेशा आगे ही चलती है। और अभी इधर शाम हो गया है ना, शाम हो रहा है, मतलब नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। सब कोई बर्तन मांजने के लिए तालाब आ रही है इधर से, इधर जो तालाब है बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए आ रही है। छोटा छोटा बच्चा हाय करो, हाय करो, हाय गांव का छोटा छोटा बच्चा। ये देखिए दोस्तों, छोटी आ रही है, गुस्साई हुई है मन में, लवा फूट रहा है, गुस्साई हुई है छोटकी। और ये आमड़ा का पेड़ है दोस्तों, देखिए छोटा छोटा आमड़ा फरा हुआ है। और भूतू लौट कर ये खांची है दोस्तों और एक बार। और ये दोस्तों, ये हम लोग का महुआ का बगान, ये देखिए अभी कचड़ा का सीजन है, कचड़ा भी गिर रहा है उसका बीज, लेकिन बहुत काम है इस साल है, इसीलिए हम नहीं चुन रहे हैं। रात को 12 बजे उठना पड़ता है दोस्तों। अब हम कंधा में ले लिए हैं दोस्तों, अगले बार हम कमर में लिए थे, इस बार हम कंधा में ले लिए। तो इसी तरह करके हम लोग जितना सकेंगे, अभी जितना टाइम होगा दोस्तों उतना लाकर गोबर फेंकेंगे। पांच बार कम से कम, ये ताल आती है दोस्तों, इसको भी ले लेते हैं, आग जलाते हैं इसमें। चलिए दोस्तों इतना ही, अभी शाम भी हो गया है और बहुत सारा काम भी है। ये दोस्तों, ये है ताल का पेड़ और इसमें ताल बहुत सारा फरता है, लेकिन इसमें कोई तोड़ नहीं पाता है। ये देखिए इसका जितना भी तार यहाँ पर गिरा हुआ था वो सड़ के, सिर्फ उसका जो गुठली है, ताल का गुठली बचा है, तो इसको हम अभी ले लेंगे दोस्तों जलावन के लिए। तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ही आग होता है दोस्तों, इसमें रोटी पक जाता है, भात भी हो जाता है, इसीलिए हम आ ही रहे थे तो रास्ता में देखें तो ले लेते हैं, क्योंकि शाम भी हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये खाची हो गया है और हम बैठ भी गए हैं, थक गए, थोड़ा हवा लग रहा है इधर, तो बैठ गए, अब घर निकलेंगे। सुबह डालेंगे दोस्तों खेत में गोबर जितना बाकी है, अभी फिर शाम हो गया है, हम थोड़ा सा बैठ गए। और देखिए ये खाची हम ये भी चुन लिए हैं, ताल का गुठली। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भारत, जय झारखंड।